नमस्कार दोस्तों, आज मैं मंचूरियन बनाने जा रही हूँ। ये रोटी और पराठा के साथ बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए मैं घिसा हुआ बंद गोभी है, फूल गोभी है सॉरी, ये बंद गोभी है घिसा हुआ, बारीक कटा हुआ एक बड़ा प्याज है, ये बीन्स है और ये गाजर है। ये बनाने में भी बहुत आसान है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। एक बार जरूर इसको ट्राई करें। इसके लिए मेरा मसाला है हल्दी, तीखा मिर्च, कलर के लिए कश्मीरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। अब ये मेरा अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट है, इसको भी मैं डाल दूंगी। इसको गूंथने के लिए ये मेरे पास मैदा है एक कप और एक कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर भी डालूंगी कुरकुरापन के लिए। और ये मेरा मैदा है, मैदा भी डाल देती हूँ आधा कप के लगभग। इसको मिक्स करती हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा मिक्सर मिल गया है। अब इसमें मैं पानी डाल के और इसका डो तैयार करूँगी। ताकि गोल गोल मेरा लोई लड्डू बन जाए। अब दोस्तों, मेरा ये मिश्रण तैयार हो गया है, इसको हम गोल गोल लड्डू बनाएंगे इस तरह से। हाँ दोस्तों, इस तरह से मेरा पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसको मैं फ्राई करूंगी। ये मेरा मीडियम आंच पे मंचूरियन फ्राई हो रहा है, इसको डाल देती हूँ। थोड़ा पलट भी देती हूँ। रोटी के साथ या पराठा के साथ गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो बहुत टेस्टी भी होता है। पलट पलट के इसको सेक देना है गोल्डन ब्राउन होने तक।
देखिए मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको निकाल देती हूँ। टमाटो सॉस है, यह है अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट, और यह है मिर्ची पेस्ट, और यह है मेरा सोया सॉस, और यह कॉर्नफ्लोर का आटा, और यह है अजीनोमोटो। मेरा तेल गर्म हो गया है कढ़ाई में, इसमें एक चम्मच तेल डाल देती हूँ। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसको डाल के थोड़ा फ्राई कर देती हूँ। ब्राउन हो जाएगा तो इसके बाद मैं कढ़ी पत्ता डाल देती हूँ। अब मेरा ये टमाटो सॉस है, ये है मेरा ग्रीन चिल्ली, ये है सोया सॉस, इसको मैं अच्छी तरह से, और ये मेरा कॉर्नफ्लोर का आटा है, इसको पानी में मैं घोल के रख दी थी। ये है अजीनोमोटो, इसमें थोड़ा और पानी डाल देती हूँ। ये कॉर्नफ्लोर का आटा था, ये मेरा पक गया है ग्रेवी, अब इसमें मैं मंचूरियन फ्राई किया हुआ डाल देती हूँ। ज़्यादा नहीं पकाना होता है, 2 मिनट के अंदर पक जाता है, इसको कोट कर देना है ग्रेवी के ऊपर। जब ग्रेवी मंचूरियन बन के तैयार हो जाएगा तो इस तरह से दिखेगा ग्रेवी आपका, देखिए कैसा दिख रहा है, प्यारा सा कलर आ गया है। इसको मैं एक बाउल में निकाल देती हूँ। इस तरह मंचूरियन तैयार हो गया है दोस्तों, इसको जरूर खाएं और ट्राई करें।